हेलो एवरीवन, टीटीसी एलआरडीसी की ई लेक्चर सीरीज़ में अप्लाइड फिज़िक्स में मेरा सेकंड लेक्चर है डीसी सर्किट्स यूनिट्स के लिए बेसिक सर्किट लॉस। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस स्टडी किया था, उसी कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे बेसिक सर्किट लॉस। बेसिक सर्किट लॉस में आज हम देखेंगे ओम्स लॉ, नोड्स, ब्रांचेस एंड लूप्स, किरचॉफ लॉस। सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। अगर हमें कोई रजिस्टेंस गिवन है और इस रजिस्टेंस में से आई करंट फ्लो हो रहा है और रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी है और हमने रजिस्टेंस के जो टर्मिनल यहाँ पर डिनोट किए हैं वो पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ए और बी टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ वी ए माइनस VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर। हेयर वी कैन यूज R एज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो VAB इज इक्वल टू IR। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर VAB है और रेजिस्टेंस R से करंट I फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा V इज इक्वल टू IR। इफ रेजिस्टेंस R is equal to zero, then this is called short circuit, and value of resistance R is equal to infinite, then we'll say it as open circuit. Ohm's law के बाद में next है हमारा एक example लेते हैं हम इसको समझने के लिए। last lecture में हमने combination of resistances पढ़ा था, तो combination of resistances और Ohm's law को use करते हुए यहाँ एक example solve करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ हमें एक circuit दिया हुआ है, a series circuit is shown to the left। इस सर्किट में हमें पता लगाना है व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए हम यह देख सकते हैं कि यहाँ 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम के तीन रेजिस्टेंसेज हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, इस तरह से तीनों रेजिस्टेंसेज की वैल्यू रख के हमारे पास रेजिस्टेंस की सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आती है 6 ओम। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टोटल करंट। टोटल करंट हम ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर हमें यहाँ पर 6 ओम टोटल जो रेजिस्टेंस है इसका सर्किट का जो तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 6 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 6 ओम और जो वोल्टेज मिल रहा है हमें यहाँ सेल्स बैटरी से दैट इज 12 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से V की जगह हम 12 प्लेस कर सकते हैं। I अननोन है, R की वैल्यू है 6, तो 12 इज इक्वल टू I6, तो करंट I की वैल्यू हो जाएगी 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में हमारे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेज में से सेम करंट फ्लो होता है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस हो या 3 ओम हो या 2 ओम हो, इन तीनों रेजिस्टेंसेज में से हर एक रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसके लिए हमें ओम्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा हर रजिस्टर पर सेपरेटली। तो अगर हमें 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है निकालना है तो V इज इक्वल टू IR, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, तो वोल्टेज इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2 वोल्ट। ऐसे ही 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6 वोल्ट। ऐसे ही 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, तो V इज इक्वल टू 2 × 2 दैट इज 4 वोल्ट। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 2 वोल्ट, 3 ओम के अक्रॉस है 6 वोल्ट एंड 2 ओम के अक्रॉस है 4 वोल्ट। तो 2 वोल्ट, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट ये मिला के हमें टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप जो मिल रहा है वो हमें उतना ही है जितना वोल्टेज सप्लाई से हमें टोटल मिल रहा है। 12 वोल्ट ही इन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 वोल्ट, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा नोड, ब्रांचेस एंड लूप्स। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें दिया गया है, या तो वो एक सिंपल सर्किट भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क भी हो सकता है जो एक से ज़्यादा सर्किट्स का कॉम्बिनेशन हो।
इसमें नोड्स, ब्रांच और लूप्स को समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें ये सर्किट गिवन, ये एक सर्किट हमें गिवन है। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीन रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं और एक ये वोल्टेज सप्लाई यहाँ लगी हुई है। ब्रांच क्या होता है कि अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और अ रजिस्टर। इस सर्किट में एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट जिस तरह से किया जाता है उसे हम एक ब्रांच कहते हैं। इसमें एक वोल्टेज सोर्स भी आ सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट भी आ सकता है या रजिस्टर भी आ सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ये एक ब्रांच है, ये एक रजिस्टेंस यहाँ लग रहा है, ये एक ब्रांच है, ये तीसरा रजिस्टेंस लग रहा है, ये एक ब्रांच है और यहाँ वोल्टेज सोर्स लग रहा है, ये भी एक ब्रांच है। नेक्स्ट इज नोड। अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस का आके जंक्शन होता है उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए है यहाँ पर ये तीन ब्रांचेस आके मिल रही हैं, तो पॉइंट ए एक नोड पॉइंट कहलाएगा या जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज लूप। अ लूप इज एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में जो एक क्लोज पाथ होता है, कंप्लीट क्लोज पाथ, उसे हम एक लूप कहते हैं। नेक्स्ट इज किरचॉफ लॉज। किरचॉफ ने किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसे समझने के लिए, उस सर्किट के अलग अलग ब्रांचेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अलग अलग रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, उसे ईजी वे में समझने के लिए दो लॉज दिए थे जो कि बेसिक लॉज हैं। इन्हें हम किरचॉफ सर्किट लॉज कहते हैं और बेसिकली ये दो लॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है एंड सेकेंड लॉ इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सबसे पहले देखते हैं हम किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ नोड इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको कोई भी नेटवर्क दिया हुआ है और उस नेटवर्क में नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज आकर के मिलती हैं, उस नोड पॉइंट पर जितनी भी एंटर होने वाले करंट्स हैं और उससे बाहर जाने वाली जो करंट्स हैं उन सब करंट्स का एल्जेब्रिक सम टोटल जीरो के इक्वल होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ नोड इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए हम साइन कन्वेंशन जो यूज करते हैं इसमें ये होता है कि इस नोड पे जो करंट एंटर होती हैं नोड की तरफ उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और जो करंट नोड से बाहर निकलती हैं उन्हें हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमें ये फिगर दे रखा है तो इस फिगर में हम देख रहे हैं करंट I1 नोड में एंटर हो रहा है, करंट I2 नोड से बाहर निकल रहा है, करंट I3 भी नोड से बाहर निकल रहा है, करंट I4 नोड से बाहर निकल रहा है, करंट I5 नोड में एंटर हो रहा है। तो I1 और I5 ये दोनों करंट नोड में एंटर हो रहे हैं, तो जो हमने इनका अल्जेब्रिक सम लिया इन सारे करंट्स का, तो I1 और I5 को हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव कंसीडर किया, जबकि I2, I3 और I4 ये नोड से आउटगोइंग थे, बाहर निकल रहे थे, इसलिए हमने इनको नेगेटिव कंसीडर किया। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग सारे करंट्स का सम जीरो के इक्वल होगा। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ करंट लॉ का जो बेसिक की पॉइंट है दैट इज कि जितना करंट इस नोड पे या जंक्शन पॉइंट पे एंटर होगा टोटल उतना ही करंट इसमें से बाहर निकलेगा। और हम जानते हैं करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस इस पॉइंट पे, इस नोड पॉइंट पे एंटर होंगे उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस इसमें से बाहर निकलेंगे। तो बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ जो है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कोई भी नोड पॉइंट जो है वो चार्ज के सोर्स या सिंक की तरह से काम नहीं करेगा, वो चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज उसमें से बाहर निकलेगा। तो इस फिगर से भी हम देख सकते हैं कि इस नोड पॉइंट पर करंट I1 एंटर हो रहा है और I2 और I3 इसमें से बाहर निकल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएं कि समेशन ऑफ ऑल दी करंट्स इज इक्वल टू जीरो, तो I1 एंटरिंग करंट है तो पॉजिटिव लेंगे, I2 और I3 आउटगोइंग करंट है तो उनको नेगेटिव लेंगे। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहाँ I1 इनपुट करंट है जो एंटर हो रहा है और I2 प्लस I3 इसमें से आउटगोइंग करंट है। तो हम देख सकते हैं कि इस नोड या जंक्शन पॉइंट पे जो एंटरिंग करंट्स का सम है वो इक्वल है आउटगोइंग करंट्स के सम के। जितना करंट एंटर होता है उतना ही इसमें से बाहर निकलता है।
नेक्स्ट एक एग्जांपल से हम किरचॉफ करंट लॉ को समझ सकते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा है इसमें कि एट एनी इंस्टेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू एनी जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो. तो हमने एक सर्किट का ये एक पार्ट ले लिया, इसमें हमने ये एक नोड पॉइंट कंसिडर किया है और इसमें ये हमने एलिमेंट्स लिए हैं, रजिस्टर्स हो सकते हैं, और ये हमने यहाँ बैटरी से हम सप्लाई ले रहे हैं. इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर. इसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से I3 करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू है 3 एम्पियर. अब इस नोड पॉइंट पे अगर हम किरचॉफ करंट लॉ यूज करें और हमें दो करंट्स की वैल्यू नोन है I1 और I3, और हमें अननोन करंट I2 की वैल्यू, जो इसमें से आउटगोइंग करंट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किरचॉफ करंट लॉ से हम पता लगा सकते हैं. इसके लिए हमें सिंपली किरचॉफ करंट लॉ लिखना है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट्स एट दिस नोड पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो. सो I1, I2 एंड I3 का सम जीरो होना चाहिए. I1 एंटरिंग करंट है तो पॉजिटिव होगा, I2 और I3 आउटगोइंग करंट है तो नेगेटिव होंगे. तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी गेट I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3. I1 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 10 एम्पियर. I3 की वैल्यू नोन है, दैट इज 3 एम्पियर. सो I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, दैट इज 7 एम्पियर. इस प्रकार हम किरचॉफ करंट लॉ को यूज करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, नेटवर्क में, किसी भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. किरचॉफ लॉस में नेक्स्ट लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है. किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ और लूप इज जीरो. अगर आपको कोई भी सर्किट में, नेटवर्क में, अगर हम एक क्लोज लूप ले लें, क्लोज पाथ ले लें, और उस क्लोज पाथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए हम जो उसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगे हुए हैं और जो ईएमएफ सोर्सेज लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्सेज, पावर सप्लाई लगे हुए हैं, उन सब के होने, उन सब पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स का प्लस ईएमएफ का जो सम है वो जीरो के इक्वल होता है. जैसे ये आपको सर्किट दे रखे हैं तो इसमें रजिस्टर्स हैं, तो इन दोनों रजिस्टर्स के ऊपर जैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, V3, ये कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा हुआ है जिसपे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V5, और यहाँ पे जो हमारे दो वोल्टेज सोर्स हैं V1 और V4, तो इन सब का जो सम है, एल्जेब्रिक सम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकली एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज ऑल वोल्टेजेस शुड बी इक्वल टू जीरो. दैट समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप शुड बी इक्वल टू जीरो. इसे आगे और देखते हैं. किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसे हम वोल्टेज लॉ के अलावा किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ मैश लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि स्टडी करने के लिए हम एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं. इसमें हमने देखा था कि क्लोज लूप में जितने भी आपने ईएमएफ के सोर्सेज लगा रखे हैं उनका सम और जो रजिस्टर्स आपने लगा रखे हैं उन पर होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका सम टोटल मिला के जीरो होता है क्लोज नेटवर्क में. इसको आप कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द कंडक्टर्स एंड द करंट्स इन दैम इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ अवेलेबल इन दैट लूप. किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम दो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो हमने देखा कि क्लोज लूप में जितने भी रजिस्टर्स पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो, प्लस आपने जो पावर सप्लाई दी है उसका वोल्टेज या उसका ईएमएफ के सम के, ये इन दोनों का जो सम होता है वो जीरो के इक्वल होता है. दूसरा तरीका किरचॉफ वोल्टेज लॉ को का जो स्टेटमेंट है वो दूसरा ही हो सकता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी रजिस्टर्स पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप हैं उनका सम इक्वल होगा उस लूप में जो ईएमएफ के सोर्सेज लगे हुए हैं उनके ईएमएफ के सम के. समेशन वी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स. द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो. ये जो स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो, अगर हम यह साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो जो हमने सेकेंड स्टेटमेंट बोला कि सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप ऑन ऑल द रेजिस्टर्स, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सिमिलर ही हैं. साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद हम उसको मैथमेटिकली उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. किरचॉफ वोल्टेज लॉ में अगर हम एक लूप कंसिडर करें तो उसमें हम साइन कन्वेंशन किस तरीके से यूज करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम इसे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ. बिकॉज नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ अ चार्ज आफ्टर द चार्ज कंप्लीट्स अ क्लोज्ड पाथ मस्ट बी जीरो.
इनफैक्ट किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय इट इन एनी क्लोज पाथ इज जीरो. इसीलिए हमने वोल्टेज जो ड्रॉप्स है उन सबका एल्जेब्रिक सम जो है जीरो लिया है, क्योंकि चार्ज के द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा पूरे लूप में वो जीरो होगा. ये हमने जैसे एक लूप लिया है, क्लोज लूप लिया है, जिसमें हमारा जो पावर सप्लाई है उसका ईएमएफ ई है, और ये रेजिस्टर्स हमने यूज लिए हैं स्मॉल और आर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर है, आर वन के अक्रॉस वी वन, और आर टू के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी टू है, और सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है. आपको इस तरह से अगर कोई भी क्लोज सर्किट दे रखा हो तो सबसे पहले आपको उसमें करंट का डायरेक्शन डिफाइन करना है. करंट का डायरेक्शन बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, तो पहले आपको जिस तरह से भी बैटरी कनेक्टेड है उस तरह से आपको करंट का डायरेक्शन डिफाइन करना है. करंट का डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद में हमें इस क्लोज लूप को स्टडी करने के लिए लूप का डायरेक्शन कंसिडर करते हैं. वो लूप हम क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आप लूप को क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं या आप लूप को एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन इस तरह से यूज करेंगे. जैसे ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, इसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. और अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा. ऐसे ही हम ईएमएफ की बात करें, अगर एक क्लोज लूप में चलते हुए अगर हम इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहले एनकाउंटर करते हैं, तो इस सेल की ईएमएफ को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा. और अगर हमने लूप का डायरेक्शन इस तरीके से लिया है कि इस क्लोज लूप में चलते हुए हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहले एनकाउंटर होते हैं, तो इस सेल का जो ईएमएफ है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा. जैसे इस सर्किट के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इक्वेशन लिखूं, तो मैंने जो करंट का डायरेक्शन लिया है वो करंट का डायरेक्शन हमारा बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन. और जो हमने लूप का डायरेक्शन लिया है वो इस तरीके से लिया है, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन. अब हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, सपोज हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे रेजिस्टेंस आर वन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया, तो R1 के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप V1 को हमने प्लस में लिखा है. फिर R2 के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने V2 पॉजिटिव लिखा है. फिर हमारा EMF आता है लूप में फर्दर आगे चलने पर, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो EMF को नेगेटिव कंसिडर करेंगे हम, तो माइनस ई. उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर के अक्रॉस भी करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो स्मॉल आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर को हम पॉजिटिव ही लिखेंगे. तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिलती है, माइनस ई प्लस वी आर प्लस वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू जीरो. इसको फर्दर सॉल्व करने पे हम देख सकते हैं स्मॉल ई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी वन प्लस वी टू. ये इक्वेशन हमें बता रही है, सेकेंड इक्वेशन हमें बता रही है कि ई एम एफ का सम इक्वल है रजिस्टर्स पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के. तो ई एम एफ इसमें एक ही सेल लगा हुआ है, तो हमें ई एम एफ की वैल्यू सिर्फ एक मिल रही है ई स्मॉल ई, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तीन रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो है वी आर वी वन और वी टू. इसे फर्दर हम ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई हम कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आई आर प्लस आर वन प्लस आर टू. तो करंट आई की वैल्यू हम इस सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन स्मॉल आर प्लस आर वन प्लस आर टू. इस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर किसी लूप में अप्लाई करना है, तो हमें रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए साइन कन्वेंशन, और बैटरी या जो आप सेल यूज कर रहे हो उसके ईएमएफ के लिए इस तरह से साइन कन्वेंशन यूज करना होगा. किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ही दूसरे तरीके से समझने के लिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है. अभी मैंने जो साइन कन्वेंशन बताया था वो लिया था हमने कि अगर लूप हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा वो हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं. यह हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें हमारे दो वोल्टेज सोर्स हैं V1 एंड V2 और तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3. हम यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मैश 1 में अप्लाई करेंगे और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1, और मैश 2 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे KVL से, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2. हमें पता है KVL के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन होगा वो समेशन ऑफ ऑल द EMF शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप और सम ऑफ द ऑल द EMF प्लस
सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप शुड बी इक्वल टू जीरो. दोनों तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मैश में हम केवीएल को अप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन होती है. देखिए इसमें करंट का जो डायरेक्शन है, जो ग्रीन आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये I1 करंट का डायरेक्शन बता रहा है. जो आपका सप्लाई है, पावर सोर्स है, जो वोल्टेज सप्लाई हमें मिल रही है V1, उससे करंट का जो डायरेक्शन है वो ग्रीन एरो से लिया है हमने. और हम जो लूप ले रहे हैं इसको स्टडी करने के लिए, वो लूप हम चला रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखें तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस हम देखें तो करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन, अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा हमें I1 R1. लेकिन करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि लूप हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और करंट फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट. तो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट होने से R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा -I1 R1. इसके बाद इसी मैश में सेकेंड एलिमेंट जो आएगा हमारा वो आएगा R3. R3 में हम देख रहे हैं कि दो करंट फ्लो हो रहे हैं I1 एंड I2. I1 करंट आ रहा है ऊपर से नीचे और I2 करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी I1 और I2 करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. लेकिन जो हम लूप का डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो I1, जो फर्स्ट हम जो मैश ले रहे हैं तो I1 की डायरेक्शन को हम जैसे रेफरेंस डायरेक्शन अगर लेके चल रहे हैं और लूप का डायरेक्शन जो होगा उसके अपोजिट है R3 के क्रॉस. अगर करंट का डायरेक्शन I1 ले रहे हैं तो लूप का डायरेक्शन I1 के अपोजिट है. तो I1 को हम यह देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में लिया है -I1 R3, और R3 के अक्रॉस करंट I2 का जो डायरेक्शन है वो लूप के डायरेक्शन में ही है. तो I2 को हमने R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने पॉजिटिव लिया है, इसलिए ये I2 R3 जो होगा हमारा प्लस में होगा. उसके बाद में जो वोल्टेज जो अपने सप्लाई ली है V1, तो अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो है V1 का, ये पहले एनकाउंटर हो रहा है तो V1 को हम यहाँ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगी V1 -I1 R1 -I1 R3 + I2 R3. और इस इक्वेशन को अगर हम इस फर्दर सॉल्व करके लिखें, यानी कि R1 वाले टर्म्स को एक साथ और R3 वाले टर्म्स को कॉमन लेके एक साथ लिखें तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी V1 -I1 R1 -I1 -I2 × R3 = 0. ऐसे ही मैश 2 में अगर हम KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का एरो है ये करंट का डायरेक्शन I2 को इंडिकेट कर रहा है. R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अब हम इसमें जो लूप का डायरेक्शन है वही एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो R2 के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन I2 और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि लूप हम एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो करंट तो लेफ्ट टू राइट फ्लो रहा है लेकिन लूप आपका राइट टू लेफ्ट है. तो करंट I2 जब R2 से फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप को आप माइनस मिलेंगे, -I2 R2. उसके बाद में R3, तो R3 में से दो करंट फ्लो हो रहे हैं I1 और I2, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन I2 करंट लूप के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो R3 के अक्रॉस करंट I2 के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप लेंगे वो नेगेटिव आएगा, -I2 R3. लेकिन R3 में से जो करंट I1 का डायरेक्शन है, I1 के फ्लो का जो डायरेक्शन है और लूप का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए I1 R3 ये वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो पॉजिटिव आएगा. उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए नेक्स्ट हमारे आएगा पावर सप्लाई हमारा, उसका वोल्टेज है V2. तो इस बैटरी का, इस सेल के हम नेगेटिव टर्मिनल पर पहले एनकाउंटर हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, तो इसे हम माइनस में कंसिडर करेंगे, नेगेटिव लेंगे -V2. तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन होगी -I2 R2 -V2 -I2 R3 + I1 R3. इस इक्वेशन को यहाँ हमने फर्दर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया है R3 को कॉमन लेके, तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन नंबर 2. अप्लाइंग द KVL इक्वेशन फॉर द सर्किट ऑफ द फिगर बिलो, ऐसे ही KVL को किसी इक्वेशन में हम किसी कैसे अप्लाई करके देख सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक एग्जांपल लिया है. यहाँ पे हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमने जो वोल्टेज सोर्स, जो पावर सप्लाई लिए, दो वोल्टेज सोर्स लिए हमने V1 एंड V2 VB, ये दो हमने वोल्टेज सोर्सेज लिए हैं पावर सप्लाई, जिनसे हमें जो वोल्टेज मिल रहा है ईएमएफ मिल रहा है VA एंड VB, और तीन हमने रेजिस्टेंस लिए हैं R1
R2 एंड R3। रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 है और R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3 है। सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है और करंट I का जो डायरेक्शन लिया है हमने वो ये हमने एरो के डायरेक्शन में हमने करंट I का डायरेक्शन लिया है। अब इस क्लोज लूप के लिए अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इक्वेशन लिखें तो इस तरह से होगा कि जो वोल्टेज सप्लाई है, करंट का जो डायरेक्शन है वो तो आपने इस ब्लैक एरो के डायरेक्शन में लिया है करंट का डायरेक्शन, लेकिन आप जो लूप को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो आप एंटी क्लॉकवाइज लूप को रीड कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन इसी तरीके से हम लेंगे। इस पॉइंट से अगर हम इसको नोड लेके इस पॉइंट से स्टार्ट करें जैसे, तो जो VA है जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो VA का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा, तो आप VA को पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि R3 जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट का डायरेक्शन और लूप क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वो अपोजिट है, इसलिए R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने -V3 लिया है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट R2, तो जब R2 पे वोल्टेज ड्रॉप लेंगे हम V2 तो वो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं तो वो -V2 हुआ। उसके बाद जो हमारा पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज VB, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पहले आ रहा है तो इसलिए VB को हमें यहाँ माइनस कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो VB का माइनस सिरा पहले आ रहा है तो इसे हम माइनस मिलेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस R1, तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन आपका और एंटी क्लॉकवाइज चलने पे लूप का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को भी आपको नेगेटिव लेना होगा, -V1। तो इस तरह से हम इक्वेशन मिलेगी VA -V1 -VB -V2 -V3 = 0। इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं ओम्स लॉ को यूज करके, तो V1 R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस IR1, V2 होगा IR2 और V3 होगा हमारा IR3। ये वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं और उससे हमें VA माइनस VB का वैल्यू मिलेगा, दैट इज I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो करंट की वैल्यू हम इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार हमने देखा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके जो इक्वेशन हम लिखते हैं उस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, किसी ब्रांच में या टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए। ये हमें एक छोटा सा क्लोज लूप दिया हुआ है, इसमें सप्लाई से हमें जो EMF मिल रहा है दैट इज 12 वोल्ट और ये हमारे दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं जिन पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 है। अगर इस क्लोज लूप के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखें तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हम देखें, इक्वेशन को लिखें एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इस लूप में, तो हम देख रहे हैं EMF E हमें पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और करंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज है क्योंकि बैटरी आपकी इस तरीके से लगी हुई है, प्लस टर्मिनल ऊपर माइनस टर्मिनल इधर, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस टू माइनस, बैटरी के प्लस टू माइनस फ्लो होता है तो करंट का डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है लेकिन हम लूप को जो रीड कर रहे हैं वो हम एंटी क्लॉकवाइज रीड कर रहे हैं। तो EMF E तो जब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो आपने बैटरी लिया है, सेल लिया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर होगा तो इसको आपको ई को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और जो ये आपने रेजिस्टर्स लिए हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 और V2, इनमें V1 और V2 को हमें नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि V1 और V2 जो है इनमें करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, करंट इनमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है लेकिन लूप हम एंटी क्लॉकवाइज रीड कर रहे हैं इसलिए वोल्टेज ड्रॉप को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो E माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा KVL का इक्वेशन हो गया। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अगर हमारे लिए V1 अननोन है, इस क्वेश्चन में आपको E गिवन है, V2 गिवन है बट V1 अननोन है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी E माइनस V2। E इज 12 वोल्ट, V2 इज 7 वोल्ट, सो V1 इज 5 वोल्ट। तो इस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आप सर्किट में किसी ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप कितना है जो कि अगर आपको पता नहीं अननोन है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ये हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें 6 वोल्ट का आपने ये EMF सप्लाई आपको मिल रहा है, दूसरा आपको 24 वोल्ट का EMF मिल रहा है वोल्टेज सप्लाई और दो रेजिस्टर्स हैं इसमें, एक का वैल्यू है 12 ओम और सेकेंड रेजिस्टर का वैल्यू है 8 ओम। अगर हम इस सर्किट में, इस क्लोज लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप, ऑल दी EMF
शुड बी इक्वल टू जीरो. सो या इसी को दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, बैटरी से जितने भी वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, जितना ईएमएफ मिल रहा है, उनका सम इक्वल होना चाहिए रेजिस्टर्स पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के. तो बैटरी से मिलने वाला टोटल वोल्टेज इक्वल होना चाहिए रेजिस्टर्स पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के. तो बैटरी से हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है. तो ये पोटेंशियल राइज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पोटेंशियल राइज 24 वोल्ट वी जो बैटरी से मिल रहा है वो सप्लाई हमने लिखी 24 वोल्ट. और V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 इज IR1, तो करंट I फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस से, तो 12 ओम. और V2 की वैल्यू है, यहाँ पर हमने ये जो V2 लिया है ये 6 वोल्ट वोल्टेज लिख लिया है पूरा, ठीक है. फिर रेजिस्टेंस जो सेकंड जो रेजिस्टेंस लिया है 8 ओम वाला, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I इंटू 8 ओम. तो ये जो 24 वोल्ट ये इस वाला सप्लाई से हमने लिया है, ये पोटेंशियल राइज को इंडिकेट कर रहा है. और ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स हुए ये हमारा I इंटू 12 ओम, 6 वोल्ट और I इंटू 8 ओम, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गए. तो पोटेंशियल राइज शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप. तो इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 24 माइनस 6 18 वोल्ट, और इधर 12 I एंड 8 I 20 I, 18 वोल्ट इज इक्वल टू 20 I, सो I इज इक्वल टू 0.90 एम्पियर. इस प्रकार हमने आज देखा कि DC सर्किट्स में, जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को समझने के लिए हमें ओम्स लॉ और किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की नॉलेज होनी चाहिए. किरचॉफ करंट लॉज और वोल्टेज लॉज को यूज़ करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है या किसी ब्रांच में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू.